सवाल नंबर एक, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? ऑप्शन ए तिरंगा, ऑप्शन बी चतुरंगा, ऑप्शन सी सतरंगा या ऑप्शन डी नवरंगा। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए तिरंगा। सवाल नंबर दो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी सफेद रंग या ऑप्शन डी केसरिया रंग। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी केसरिया रंग। सवाल नंबर तीन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी सफेद रंग, ऑप्शन सी गुलाबी रंग या ऑप्शन डी केसरिया रंग। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सफेद रंग। सवाल नंबर चार, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी सफेद रंग या ऑप्शन डी केसरिया रंग। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हरा रंग। सवाल नंबर पांच, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 25। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 24। सवाल नंबर छह, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:2, ऑप्शन सी 2:3 या ऑप्शन डी 3:2। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 3:2। सवाल नंबर सात, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है? ऑप्शन ए 1:1:1, ऑप्शन बी 2:3:4, ऑप्शन सी 3:2:1 या ऑप्शन डी 4:3:2। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1:1:1। सवाल नंबर आठ, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन ए 17 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 23 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 30 जुलाई 1948। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है।
इसका उत्तर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। सवाल नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त। सवाल नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2001 ईस्वी, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी या ऑप्शन डी 2003 ईस्वी। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2002 ईस्वी। सवाल नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास और उर्वरता, ऑप्शन बी शक्ति और साहस, ऑप्शन सी सुख और समृद्धि या ऑप्शन डी शांति और सत्य। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति और साहस। सवाल नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? ऑप्शन ए विकास और उर्वरता, ऑप्शन बी साहस और विकास, ऑप्शन सी विकास और सत्य या ऑप्शन डी शांति और सत्य। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी शांति और सत्य। सवाल नंबर 13, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास और उर्वरता, ऑप्शन बी शक्ति और साहस, ऑप्शन सी विकास और सत्य या ऑप्शन डी सुख और समृद्धि। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए विकास और उर्वरता। सवाल नंबर 14, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी मेरे देश की धरती या ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन बी जन गण मन। सवाल नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन बी हम होंगे कामयाब, ऑप्शन सी जन गण मन या ऑप्शन डी वंदे मातरम। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी वंदे मातरम।